सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा कि आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इंस्टाग्राम वीडियो कैसे डिलीट कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी जैसे बताए थे, वैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि फेसबुक आईडी कैसे डिलीट करते हैं ये बताइए, क्योंकि नए अपडेट आने के बाद जो इंस्टा और फेसबुक वो साथ में कोलैब हो गया, मतलब साथ में काम करने लगे हैं। तो इस वीडियो में बताऊँगा फेसबुक आईडी डिलीट कैसे करते हैं, सारा प्रोसेस वीडियो में बताएंगे, वीडियो को पूरी देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम फेसबुक ओपन कर लेते हैं। तो फेसबुक ओपन होने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ओपन होने के बाद फिर आपको सिंपली यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करना होगा। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जब ऐसा कुछ आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पर आपको क्या क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल है तो आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर मैंने पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा नेट स्लो है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। और यहाँ पर जब मेरी आईडी ओपन हो गई है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर फिर से आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना होगा। पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, तो यहाँ अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, डिएक्टिवेट और परमानेंट अकाउंट डिलीट, मतलब इसको टेम्प्रेरी हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा, जैसे इंस्टाग्राम अब क्या हुआ है फेसबुक पर लिंक हो जाता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली आपको फेसबुक डिलीट करना होगा। तो आपको फेसबुक पे क्लिक करना होगा। फेसबुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पर मेन आपको समझना होगा कि दो ऑप्शन इसमें क्या करना होगा। एक तो है डिएक्टिवेट का अकाउंट, जैसे डिएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट, तो इसका मतलब क्या होगा। डिएक्टिवेट अकाउंट का मतलब होगा कि जैसे कि कुछ आपका या कुछ मतलब जैसे कुछ प्रॉब्लम है आपको डिलीट करना है, दो चार दिन के लिए हटाना है, फिर आपको बाद में फिर से लॉगिन करना होगा, तो उसके लिए डिएक्टिवेट कर देना होगा। ये बाद में भी आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के ला सकते हैं, लेकिन जैसे किसी को मैसेज करते हैं तो उसमें शो नहीं होगा, तो इसका होता है डिएक्टिवेट। जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है डिलीट अकाउंट, तो ये डिलीट अकाउंट मतलब हमेशा के लिए आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। फेसबुक से जैसे आप फेसबुक से सर्च करते हैं तो वहां आएगा ही नहीं हमेशा के लिए, और इसको फिर बाद में भी आप नहीं ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे डिलीट करना है तो आप डिलीट पर क्लिक कर देके कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर आ गया फेसबुक, यहां पर मेरा ऑलरेडी इस पर पेज भी है, तो पेज को मैं कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पर किस वजह से आपको डिलीट करना होगा, तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है कि कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि मुझे सेफ नहीं लग रहा है फेसबुक, तो आई थिंक या है क्या कुछ भी, तो कंटिन्यू कर देना होगा, मुझे फेसबुक सेफ नहीं लग रहा है। यहाँ पर आपको फिर कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आ गया है कि आपको डिएक्टिवेट कंटिन्यू कर देना होगा, तो यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू, तो यहाँ पर कंटिन्यू दिख रहा है आपको, कंटिन्यू कर देना होगा दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल कर देना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी पासवर्ड मैं फिल करता हूँ, फिल करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपका फेसबुक हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और इसमें मैं से आईडी हट जाएगी। सो दोस्तों बस इतना ही था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है फेसबुक डिलीट करने में या कोई भी इंस्टा है कोई भी आपको प्रॉब्लम, तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर DM करिए, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा और आपकी हेल्प करूँगा। सो दोस्तों बाय बाय, टाटा।